झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मॉनसून केरल के दहलीज पर पहुंच चुका है। भोपाल में 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा संभावना जताई गई है कि इस बार दोनों ब्रांच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जरिए मॉनसून दो तरफ से प्रदेश में एंट्री ले सकता है। मॉनसून की यह एंट्री इंदौर और जबलपुर संभाग से हो सकती है। 20 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्से को कवर कर सकता है। धमाकेदार आगाज करने वाला प्री मॉनसून जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, चंबल में अटक गया है। भोपाल में बादल तो आए लेकिन सिर्फ बूंदाबांदी ही कर सके। इंदौर, उज्जैन को अब भी प्री मॉनसून की बौछारों का इंतजार है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनके मुताबिक 2 जून तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल, इंदौर में उमस रहेगी। नर्मदापुरम, उज्जैन समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान की हल्की बढ़त हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि अगले 2 सप्ताह ज्यादा बारिश नहीं है, सिर्फ जबलपुर, ग्वालियर, सागर और छत्तीसगढ़ के सटे इलाकों में ही हल्की बारिश होगी। नमी आ रही है, वहीं इंदौर, भोपाल में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। 9 जून तक यह स्थिति रहेगी, इसके बाद से हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले मॉनसून 27 मई तक केरल पहुंचने वाले था, लेकिन अब ये 30 मई तक पूरी तरह से पहुंच जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 9 जून से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। सब कुछ ठीक रहा तो 20 से 22 जून तक प्रदेश में मॉनसून सेट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीम। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।